वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। सो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये वाला ब्यूटीफुल सा क्रिएटिव सा चेक्स का डिजाइन जो कि है ये वाला दिस वन। सो ये आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही इजी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप आपको इसको कैसे बनाना है। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो आप आज ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ऑल नोटिफिकेशंस पे कर देना, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस है जो भी मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ वो सारे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरी वीडियोस से कोई भी डिजाइन सीख रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। मेरे इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो भी मैंने यहाँ पे नीचे कैप्शन में डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको जरूर आप चेक कर लेना। वहां पर आपको मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी रहती हैं, तो उसकी भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वहां से आपको सारी डिटेल्स जो है क्लासेस से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मैं दो दो लाइन्स ड्रॉ करूंगी थोड़ा थोड़ा सा गैप देते हुए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे चेक्स के बीच में थोड़ा हैवी वर्क करना है, इसीलिए मैंने ज्यादा गैप लेते हुए बीच में लाइंस जो है उनको ड्रॉ किया है। फिर मैं दूसरी साइड से भी सेम लाइंस ड्रॉ करूंगी। आपका जो बॉक्स है ना वो प्रॉपर ऐसे दिखना चाहिए जिसके अंदर आप अच्छे से काम कर सकें। अगर आपको लग रहा है आपकी लाइंस जो है वो बराबर नहीं आ रही है, आपके चेक्स के बीच में कम ज्यादा गैप आ रहा है, तो पहले एक बार आप पेंसिल से जरूर इसको प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर आप इसको ड्रॉ करें। अभी मैं सारी तरफ लाइंस बनाने के बाद में अब मैं यहाँ पर फ्रिल ऐड करूंगी। जो बॉक्स है उसकी चारों तरफ में फ्रिल्स ऐड करनी है, कॉर्नर टू कॉर्नर हर एक कॉर्नर को जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं ये नीचे वाले कॉर्नर में अभी फ्रिल दे रही हूँ, फिर उसके नीचे जो थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है ना वहां पे जितना डिजाइन आपका आ सके उतना डिजाइन आपको वहां पे जरूर ऐड करना है। ऐसा नहीं करना ये जो कॉर्नर्स छोटे छोटे से साइड में जो दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आधा ही डिजाइन आ सकता है उनमें आप छोटा डिजाइन करके डाल दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपको प्रॉपर जो डिजाइन जो शेप आपने बना रखी है पहले ही उसी शेप में आपको काम करना है, उतने ही साइज में, डिजाइन को छोटा नहीं करना है। अब मैं यहाँ पे बॉक्स में राइट साइड में कर्व ड्रॉ करूंगी और अंदर की तरफ थ्री कर्व्स लेते हुए अगेन एक डीप में कर्व दूंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके का इसका शेप आएगा। और फिर दूसरी साइड भी मैंने वही किया है लेफ्ट में, फिर मैंने ऐड किया है स्पाइरल, स्पाइरल के साथ डॉट, देन उसके बाद अगेन एक कर्व लिया है, उसके ऊपर फ्रिल दी है, फ्रिल की एक सिंगल लेयर, देन मैंने यहाँ पर यूज किया है पेटल्स का। इसकी जगह आप कोई और भी अदर पेटल जो है वो आप ले सकते हैं। देन नीचे की तरफ जो है वहां पर आधा ही बॉक्स आ रहा था तो उसके हिसाब से मैंने हाफ डिजाइनिंग वहां पे ऐड करी है, स्पाइरल लिया है, कर्व लिया, एंड देन उसके बाद फ्रिल और फिर अगेन पेटल्स का यूज किया। अब ये जो कॉर्नर जो होता है ना, ये कॉर्नर वाला आपने बहुत ध्यान से देखना है, वहां पर मैंने हाफ डिजाइन ऐड किया है, डिजाइन को छोटा करके जबरदस्ती वहां पे नहीं ऐड किया है, डिजाइन ऐसे ही आपको कॉर्नर्स में जो भी स्पेस बचे हुए हैं उनमें मैं हाफ हाफ डिजाइन ऐड करते हुए जा रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ मैं करूंगी अभी, सेम यही चीज इसी तरीके से आपको डालनी है। कॉर्नर्स में सारी तरफ अच्छे से फिलिंग करने के बाद अब मैंने जो सबसे पहले लाइंस बनाई थी, ठीक है, उन्हीं के बीच में मैं यहाँ पर चार चार लाइंस जो है बनाती जा रही हूँ और बीच में थोड़ा सा गैप देती हुई जा रही हूँ, ठीक है। इसकी जगह आप वेव लाइन यूज कर सकते हैं, वेव लाइन के बीच में आप मतलब कि कॉर्नर्स में जहां पर कर्व्स होते हैं वहां पे आप डॉट्स ले सकते हैं, या फिर आप लीव्स यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप बांधनी स्टाइल भी इस डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने लाइंस ली है ना, फोर फोर लाइंस ली हैं, उसकी जगह आप सिंगल सिंगल लाइन लेके बीच बीच में गैप देके आप डॉट्स ले सकते हैं, या फिर ये जो मैं डिजाइन अभी क्रिएट कर रही हूँ लाइंस फोर लाइंस लेके बीच में जो गैप दे रखा है इसके बीच में आप डॉट भी फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एक अलग क्रिएटिव इसको आप बना सकते हैं। बट यहाँ पर मैं अभी क्या करूंगी, जो मेरा वाला भी डिजाइन है इसके अंदर सारे में डिजाइन अच्छे से कंप्लीट करने के बाद जो खाली स्पेस बीच में बचा हुआ है उसके अंदर मैं थिक फिलिंग करते हुए जाऊंगी। सो यहाँ पर जो फिलिंग वर्क है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, मैं एक कॉर्नर से ही फिलिंग वर्क करते हुए जाऊंगी। अच्छे से प्रॉपर थिक फिल करना है, शेडिंग में फिल नहीं करना है। यहाँ पर जो नीचे वाला हिस्सा है
जो कि थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, उस एरिया में मैंने क्या किया है, पेटल एक हाफ ऐड कर दिए ताकि वो एक कंप्लीट लुक दे। ओके, इसके अलावा जो है मैं आगे तक पूरा अच्छे से थिक फिल करते हुए जा रही हूँ। यहाँ पर जो मैंने पेटल्स ड्रॉ करी है ना, इन पेटल्स में भी मैं शेडिंग करूंगी। आपकी मर्जी है, आप करना चाहें कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है आप नहीं भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको एक क्रिएटिव लुक दे सकते हैं। आप शेडिंग की जगह डॉट्स का यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना, और आगे और किन टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, कमेंट्स करके यहाँ पे जरूर बताना, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर आगे आने वाले डेज पे वीडियोस बनाऊंगी। और अभी यहाँ पर मैं जो पेटल्स है उनके अंदर दे रही हूँ शेडिंग। शेडिंग ना एकदम प्रॉपर दिखनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए बहुत घिस घिस के आपने काम कर रखा है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब इसका हम एंड में देखेंगे कम्प्लीट लुक, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। सो ये है इसका फाइनल लुक। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।